लेकिन ट्रांजिशन मोशन बहुत ज्यादा कॉमन होती है। इस ट्रांजिशन मोशन को लॉक करने के लिए यहां पर आप यूं समझ लें कि कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा यहाँ पर मौजूद होता है उतनी ज्यादा वो इस फ्लूडिटी को रेगुलेट करने के अंदर हेल्प करता है। सो दिस इज हाउ हम कहते हैं कि आपका फ्लूडिटी किस वजह से होती है, फॉस्फोलिपिड्स की वजह से होती है, उसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से होती है, और उस फ्लूडिटी का रेगुलेटर कौन होता है, तो हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर ऑफ द फ्लूडिटी। वो फ्लूडिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होता है। इसी तरीके से बेटे जब कभी हम लोग यहाँ से प्रोटीन्स पे मूव करते हैं तो हम कहते हैं प्रोटीन्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है मोजेक का। मोजेक बेसिकली एक आर्ट है जिसके अंदर हम लोग रैंडमली चीजों को प्लेस करके वहां पर रैंडम चीजों की प्लेसमेंट की वजह से एक पिक्चर बनाते हैं। जैसे आपने कभी शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें छोटे छोटे कांच के बहुत बहुत से टुकड़े आपके पास प्लेस किए जाते हैं, और वो टुकड़े जो आपके पास कांच के छोटे छोटे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्लेस किए जाते हैं वो तमाम टुकड़े एक रेगुलर पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से उनका ये ख्याल है कि ये आपके पास मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जो कि यूं पाई जाती हैं, और ये प्रोटीन्स सरफेस के ऊपर भी हो सकती हैं और ये प्रोटीन्स इसमें इम्बेडेड भी हो सकती हैं, राइट? उनका ये ख्याल है कि ये प्रोटीन्स रैंडमली लगता है कि पड़ी नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा ऑर्डर्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इन प्रोटीन्स को जो कि आपके पास सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं, इनको यूजुअली हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का नाम देते हैं। और मेरे बेटे वो प्रोटीन्स जो कि यहां पर पाई जाती हैं इनको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का नाम देते हैं, क्योंकि इंटेग्रली ये आपके पास इसमें कंप्लीटली इंटेग्रेटेड होती हैं, इसलिए इनको हम लोग इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं। जबकि ये सेल की पेरिफेरी पे पाई जाती हैं, इसीलिए मुमी तौर पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर आल्सो नेम्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन्स। इससे 30% के करीब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जबकि 70% के करीब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन कंटेन करते हैं, तो बेटे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आपके पास वो प्रोटीन्स होती हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कंटेन करती हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कंटेन करती हैं? क्योंकि बेटे यहाँ पर ना हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन भी होते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होते हैं। ये हाइड्रोफिलिक भी हैं और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होते हैं। सो ये दोनों तरह के इंटरेक्शन रखते हैं, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन यूजली सिर्फ हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कंटेन करते हैं। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन सिंगल टाइप ऑफ इंटरेक्शन की वजह से ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मौजूद नहीं होती, इस वजह से हम ये कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैन बी इजिली रिमूव वाइल इंट्रिंसिक प्रोटीन एज इंटेग्रली एम्बेडेड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कंटेन करते हैं। ये यहाँ पे कोवेलेंट इंटरेक्शन समटाइम कंटेन करते हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एडहियर्ड फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं। हम अगर प्रोटीन्स की बात करें तो बेटे प्रोटीन को हम लोग सेल का चूंकि बहुत अहम हिस्सा कंसिडर करते हैं, इस वजह से हम ये समझते हैं कि प्रोटीन मोर और लेस सेल के लिए एक ग्रेस से कम नहीं है। यानी आपके पास यहाँ पर पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स हैं यही तो असल में सेल की ग्रेस बनाती हैं। ये सेल की ग्रेस कैसे बनाती हैं कि बेटे मुमकिन है कि ये प्रोटीन आपके पास ग्लाइको प्रोटीन्स की फॉर्म के अंदर मौजूद हों। जैसे कि हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि आपके पास जो ग्लाइको प्रोटीन्स पाई जाती हैं इन टर्म्स ऑफ आरबीसीज की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स एग्जिस्ट करती हैं वो आपके पास ग्लाइको प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीजन ए एंटीजन बी की फॉर्मेशन कर रही होती हैं। इसी तरह से मेरे बेटे हमारे पास ना री
सेप्टर्स सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, जो हॉर्मोन्स की डिटेक्शन करते हैं, जो बहुत से और दूसरे केमिकल्स की डिटेक्शन करते हैं। तो ये जैसे हम ये बात पढ़ते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया को वायरसेस को बाइंड करने के लिए सेल की सरफेस पर रिसेप्टर होते हैं। आपके सेल के ऊपर जो बॉडी सेल्स हैं, इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 10^14 काइंड ऑफ रिसेप्टर्स। इतनी तरह के रिसेप्टर ऑल ओवर द योर बॉडी में कंटेन, इतने रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और ये सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं। इसी तरीके से बेटे हम लोग ये बात करते हैं कि ये आपके पास जो सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन्स पाए जाते हैं, या कुछ सेल्स जैसे कि बी सेल्स आपके पास, बी लिम्फोसाइट्स के पास एंटीबॉडीज बी सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं, वो भी असल में प्रोटीन होती हैं और इवेंचुअली ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके अलावा हम एक बात ये पढ़ते हैं कि जब कभी आप ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो ये वाली प्रोटीन्स या तो चैनल प्रोटीन का रोल प्ले करती हैं या मेरे बेटे ये कैरियर प्रोटीन का रोल प्ले करती हैं। अच्छा, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। जब कभी मेरे बेटे हम लोग चैनल प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि चैनल प्रोटीन बेसिकली आपके पास ये कोई इस तरह की प्रोटीन है। ये चैनल प्रोटीन जो आपके पास पाई जाती है, ये इस तरह की प्रोटीन है जो कि यूं एक चैनल ड्रॉ करती है। बट फर्ज करें कि तीन प्रोटीन मॉइटीज हैं जो आपस में मिली हैं और उन्होंने एक चैनल ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल ये एक चैनल बना है। अच्छा, ये वाला जो चैनल बना हुआ ना बेटे, इसके अंदर से चीजें पास आउट कर सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक चीजें पास आउट करेंगी, हर चीज पास नहीं कर सकती। जैसे वो चैनल जो कि सोडियम आयन के लिए बना है, वहां से सिर्फ सोडियम पास करेगा। वो चैनल जो कि पोटाशियम आयन के लिए बना है, वहां पे सिर्फ पोटाशियम ही पास करेगा। तो आपके पास स्पेसिफिक चैनल्स मौजूद होते हैं जहां से वो स्पेसिफिक चीजें ही पास आउट कर रही होती हैं, हर चीज वहां से पास आउट नहीं कर सकती है। सो चैनल प्रोटीन आपके पास जब कभी भी चीजों को यूजुअली पास आउट करती है, ये आपके पास यूजुअली पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को रिगार्ड कर रही होती है। जब कभी आप कैरियर प्रोटीन्स की बात करते हो ना, तो बेटे कैरियर प्रोटीन आर समथिंग स्लाइटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन। ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रोटीन होती है। ये क्या करती है कि ये ना अपनी अपनी शेप को चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। अब कोई एक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल दैट सब्सटेंस ए यहां पर आके अटैच हो जाता है, तो जैसे ही ये सब्सटेंस ए इसमें आके बाइंड होगा, ये प्रोटीन अपनी शेप को चेंज कर लेगी। यानी ये अगर प्रोटीन इस फॉर्म के अंदर मौजूद है तो ये अपनी शेप को चेंज करेगी। जैसे ही अपने आप को शेप को चेंज करेगी, ये आपके पास यूं यूं ये आपके पास इसको यहां पे पहुंचा देगी। दिस इज योर द फर्स्ट स्टेट, दिस इज द सेकंड स्टेट। अब समटाइम्स आपके पास अगर इन चैनल्स को अपनी शेप चेंज करने के लिए, यानी दिस इज पिंग पोंग अरेंजमेंट, ये जो पिंग पोंग फॉर्म करने के लिए, ये पिंग पोंग फॉर्मेशन के लिए आपको अगर इसको अपनी शेप को चेंज करना पड़ता है, तो समटाइम इट नीड्स एनर्जी, मतलब उसको एनर्जी की जरूरत होती है। अगर तो ये एनर्जी को यूज करती है अपनी शेप को चेंज करने के लिए, तो उस सूरत में तो हम कहते हैं कि दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर ये अपनी शेप चेंज नहीं करते तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मोर ओवर हम ये कहते हैं कि जी यहां पर जो आपके पास प्रोटीन्स पाई जाती हैं, दे में एक्ट एज एंजाइम्स। जैसे एडिनाइल साइक्लेज आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एंजाइम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो ये फॉर एग्जाम्पल एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है जो कि यहाँ पर मौजूद हुआ करते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जी आपके पास जो इलियम की सरफेस है, वहाँ पर बेतहाशा एंजाइम ऐसे हैं बेटे जो वहाँ पर मौजूद हुआ करते हैं। तो हम ये बात समझ रहे होते हैं कि आपके पास एडिनाइल साइक्लेज के अलावा भी जो माल्टेजेस होते हैं, लैक्टेजेस होते हैं,
या आपके पास सक्रेजेस एंजाइम मौजूद होते हैं, ये सारे के सारे